आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम सितंबर 17 से स्टार्ट हो सकता है। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रशांत पांडे ऑनलाइन तैयारी से, जो कि आरआरबी एग्जाम के एक्सपर्ट हैं। तो आज आप हमें बताएंगे कि क्या कुछ टिप्स और ट्रिक्स एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो सर हाय। हेलो। जैसे कि अभी टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं कि सितंबर 17 को एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, पर इस दौरान इस मोमेंट पे कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी कैंडिडेट की? तो अभी सितंबर 17 जो डेट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, बट अभी एडमिट कार्ड्स नहीं आए, तो कुछ दिन में वो भी आ जाएंगे। तो मान के चलते हैं कि 17 से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक। अब लगभग देखा जाए तो 12 से 13 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, और वो भी जो नया पैटर्न रिलीज हुआ है आरआरबी की वेबसाइट पे उस हिसाब से, ताकि स्टूडेंट यूज टू हो जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, और 90 मिनट्स में वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाते हैं उन क्वेश्चन को। ओके, तो अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर पैटर्न कैसा है? अगर हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आरआरबी क्या कर रहा है, अब चेंजेस कर रहा है। पहले जो आरआरबी के एग्जाम्स हुए थे वो काफी टाइम पहले हुए थे, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होता है 2013 में। वन से स्टार्ट करना है तो वन से आप स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन हो रहा है कीजिए, नहीं हो रहा आगे बढ़ जाइए। उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास 90 मिनट्स, और अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन पे हमें 1 मिनट से कम का टाइम मिल रहा है, तो क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हमें 90 मिनट्स में, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को अब ये फॉलो करना है कि वन से स्टार्ट करें। वन से स्टार्ट करने के बाद जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो करते रहे, और जो नहीं हो रहा है, जिसमें लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार ये लेंदी ये टाइम लेगा, स्किप दैट क्वेश्चन, मूव अहेड। Okay. हो सकता है आप उस क्वेश्चन के टाइम को बचा के आप बाकी 2 क्वेश्चन कर पाए, आपको जो ज्यादा है, बिल्कुल। तो उस तरीके से करते हुए, और इसमें स्टूडेंट के पास ये चॉइस तो नहीं रहेगी कि मैं रीजनिंग का पहले कर लूं या मैथ्स का पहले कर लूं, इसमें जो होगा आपको सिक्वेंशियल फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप हाँ, स्किप कर दो, स्किप कर दो और किसी और सेशन में जाम कर लें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे होंगे अगर सेक्शन वाइज हम बात करें मैथ्स की, जनरल में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब बताइए। तो मैं एक बार जो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे रीजनिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में बताऊंगा कि रीजनिंग में बहुत बेसिक रीजनिंग आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी अगर आपके बहुत सिंपल पूछा जाता है, अगर ए प्लस कोई लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग आपको बेसिकली अब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते करते आपको आगे बढ़ना है। तो रीजनिंग के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, तो ये सारे चैप्टर्स जो है आपके रीजनिंग के, वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मैथ्स मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में मैं बात करूंगा, हाँ मैथमेटिक्स में मैं बताऊंगा कि जो अरिथमेटिक पोर्शन है, अरिथमेटिक पोर्शन में जैसे आपका रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे
टाइम मैनेजमेंट में जैसा कि मैंने कहा कि यार किसी भी क्वेश्चन पे अटको मत और ईगो पे तो गलती से भी मत लेना। अगर मतलब ऐसा ना हो कि यार क्वेश्चन आज मैं तुझे सॉल्व करके रहूंगा, नहीं, ये वाली फिलॉसफी छोड़ के आराम से आप क्वेश्चन देखिए, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, हो सकता है वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, सबसे ना हो रहा हो, तो वहां पे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, आराम से उस क्वेश्चन को कीजिए, होता है ठीक है, नहीं होता है स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, और अगर आगे टाइम बचता है तो वापस उस क्वेश्चन पे आइए, फिर उस पर टाइम लगाइए, क्योंकि 90 मिनट्स अगर मैं बात करूं ग्रुप डी के पेपर के लिए तो सफिशिएंट है, स्टूडेंट कैन इजीली अटेम्प्ट, मतलब आराम से 90 के आसपास अटेम्प्ट कर सकता है, इजीली आपके लिए जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अब जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 14 सेकंड्स का टाइम आपको पढ़ने में लगता है और 6 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं, तो इस टाइप से अगर आप मैनेज करके चले तो सबसे कम टाइम आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेता है, आते नहीं आते सेकंड्स में आपको अपने सेकंड्स में, और सेम गोज फॉर आपका जो जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी अगर आपको आता है कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करने वाली चीजें आपकी मैथ्स रीजनिंग, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको टाइम लग सकता है, जो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स बचाएगा वो आपको यहाँ स्पेंड करना है, तो मैथ्स के क्वेश्चन में लगभग आपके 40 से 60 सेकंड के आसपास लगते हैं, पर क्वेश्चन 40 टू 60 सेकंड्स आराम से। तो अगर जैसे बात करें सारे एग्जाम्स जो है सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए कैंडिडेट को? कैंडिडेट सबसे पहली चीज तो मैं सीबीटी में बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन थेरेपी में भी हमारे पास काफी क्वेरीज आई थी कि सर मैं गया, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ये मतलब बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे एग्जाम हो रहा है, इतनी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्लिचेस होंगे, बहुत स्मूथ नहीं हो सकता प्रोसेस, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि जहां जिस सिस्टम पे आप बैठ रहे हो उस सिस्टम पे बैठ के आप माउस एक बार चेक कर लीजिए आपकी सारी चीजें फंक्शनिंग है कि नहीं, ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि पैर से सीपीयू लग गया तो ऑफ होगा, तो ये सारी चीजें आप पहले ध्यान रखिएगा, पैर वैर अपने संभाल के सीपीयू पे ना लगे वो ज्यादा बेटर है, और मॉनिटर वगैरह ठीक है कि नहीं, माउस आपका काम कर रहा है कि नहीं, क्लिक काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। सीबीटी में पहला फोकस तो ये होना चाहिए कि मेरा सिस्टम वर्किंग है कि नहीं, और सीबीटी के लिए सबसे बड़ा आपका जो एक और बेनिफिट मैं बोलूंगा कि सीबीटी का ये है कि आप घर पे रह के भी इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट देके, तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि यार क्लिक करने की स्पीड भी, मतलब एक तरीके से होता था ना पहले हम गोला करते थे और वो सर्कल फिल करने में हमें टाइम लगता था, अब क्या होता है अब क्लिक होता है, तो वो क्लिक की प्रैक्टिस आप आराम से कर लीजिए मॉक टेस्ट में, क्योंकि आपको भी पता है कि लेफ्ट पैनल में आपके क्वेश्चन आते हैं, राइट पैनल में आपके ऑप्शन आते हैं, तो इस टाइप से ये सारी चीजें अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे कहीं भी दे रहे हो, ऑनलाइन थेरेपी दे रहे हो चाहे कहीं भी दे रहे हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के फ्री मॉक टेस्ट हर जगह अवेलेबल है, आप जाइए दीजिए, उन मॉक टेस्ट में जाके आप प्रैक्टिस कीजिए कि किस टाइप का पैनल होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस, कैसे मुझे रिस्पॉन्स देना है, तो आपको डेफिनेटली एक बेनिफिट होगा। तो क्या अगर आप जैसे कोई कैंडिडेट क्लिक करता है, अगर उसने गलत ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो क्या वो दोबारा से हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी कोई कैंडिडेट मान लीजिए आप गलत ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे नीचे बटन होता है क्लियर रिस्पांस, वहाँ पे आप क्लियर रिस्पांस कीजिए, अपने राइट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और एंड में भी आई थिंक सारे आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जब जब जो आपका क्वेश्चन कलेक्ट होता है उसमें आप देख सकते हैं कि आपने किस पे रिस्पांस किया किस पे नहीं। और अब जो बात करेंगे सिली मिस्टेक्स की, जो कि एक कैंडिडेट बहुत यूजुअली करता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये चीजें होती हैं, तो अगर सिली मिस्टेक्स हो भी रही हैं तो उसको कैसे कवर अप करें या उसके लिए कुछ टिप्स? अगर मैं बात करूं तो सिली मिस्टेक्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम देखो ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हम करते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वहां पे आपका कंसंट्रेशन फुल हो, कॉन्फिडेंस आपको लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहो, और वो कई बार वो भी हो जाता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है, कॉन्फिडेंट रहो बस, ठीक है, हाँ नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो सिली मिस्टेक्स की जैसा कि मैंने भी आपने बात की कि सिली मिस्टेक्स में जो मेन दिक्कतें होती है वो होती है कि जल्दबाजी में आंसर करना, सपोज कि मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया कि मुझे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आ गए, अब उस केस में मैं जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ, कहीं गलत क्लिक ना हो जाए, ऑप्शंस बहुत सावधानी से मार्क कीजिए, ये सब चीजें, क्योंकि एक सिली मिस्टेक कैन कॉस्ट यू एन ईयर, सिंपल, ये एग्जाम बहुत बहुत देर में आते हैं और इतनी बड़ी वैकेंसीज जल्दी आती भी नहीं है, तो फिर उस चीज का ध्यान रखते हुए सिली मिस्टेक्स को कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस के साथ आप मिनिमाइज कीजिए और जितना मिनिमाइज हो सके करिए। तो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में कितने नेगेटिव मार्किंग अगर एक रॉन्ग अटेम्प्ट होता है? हाँ, इस पेपर में अगर आप एक सही अटेम्प्ट करते हैं तो +1 होता है, okay. और अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं अब छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, okay. लेकिन अगर क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं आप तो -0.33 होता है। okay. तो इस बेटर कि आप क्वेश्चन छोड़ नहीं आता, आपको लग रहा है डाउट है थोड़ा सा भी, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको 0.33 स्टेप बैक ले जाएगा, तो
वो चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो कंपटीशन है वो करोड़ों में है, लाखों में भी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो करोड़ों में, और करोड़ों में आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आप वो 65,000 सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए चांस है आपका। अच्छा, तो सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करूं तो क्या इस पेपर सेक्शनल कट ऑफ है? नहीं, इस पेपर में एक ही कट ऑफ होगा, दैट विल बी द ओवरऑल कट ऑफ, 100 मार्क्स में से जो कट ऑफ आएगी वो रहेगा। तो काफी फैक्टर्स थे उस टाइम, एंड 2013 की बात करूं तो 5 साल पहले काफी पुराना टाइम था, और अब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ है। हमें एएलपी में भी देखा है कि स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट थे वो काफी ज्यादा शूट किए थे, और इनफैक्ट मैं आपको एक मतलब डेटा बताना चाहूंगा कि हमारे पास लगभग ऑनलाइन तैयारी पे 1,00,000 स्टूडेंट्स ने एक पेपर अटेम्प्ट किया था, 1,00,000 स्टूडेंट्स ने वो पेपर अटेम्प्ट किया, एंड वी रियलाइज्ड कि यार वो जो पेपर अटेम्प्ट करने में और जो उन्होंने पहले भी पेपर अटेम्प्ट किए थे, बेसिकली प्रैक्टिस करते 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 उस पेपर को हमने जानबूझ के मतलब एक तरीके से सबके लिए फ्री किया था ताकि स्टूडेंट्स आए अटेम्प्ट कर पाए, और उस पेपर में हमने रियलाइज किया कि स्टूडेंट्स के मार्क्स लगभग 25% से ग्रो किए थे। तो प्रैक्टिस का इतना इंपॉर्टेंस है, और स्टूडेंट्स आजकल अवेयर भी बहुत है, पहले क्या होता था कि पेन पेपर मोड था, हाँ बहुत कम अवेयरनेस हुआ करती थी, बहुत कम लोग भी अप्लाई करते थे, बट अब जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज हो चुका है, अब इतना हो चुका है कि स्टूडेंट्स बहुत है और कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ है। अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के ट्रेंड्स जो भी आरआरबी के एग्जाम के ट्रेंड चल रहे हैं, तो इस पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ न्यू? इस पेपर में बहुत बड़ा चेंज कोई नहीं आने वाला, आरआरबी एएलपी का पेपर हुआ है, आरआरबी एएलपी के बाद जो मेमोरी बेस्ड हमने निकाला था उसमें भी हमने यही देखा था कि जो डेली बेसिस के पेपर थे और जो हमने पहले दिन का पेपर निकाला था उसमें बहुत सिमिलैरिटी थी। अगर फर्स्ट डे पे पूछा गया तमिलनाडु का सीएम तो नेक्स्ट डे पे पूछा गया त्रिपुरा के, और थर्ड डे पे आप बात करो तो वेस्ट बंगाल, ऐसे ही करके उन्होंने मतलब लगभग 28 स्टेट के सीएम पूछ लिए, हाँ हर शिफ्ट में एक एक दो दो गवर्नर सीएम उन्होंने पूछे थे। सिमिलरली रिवर की बात की थी मैंने कि रिवर के क्वेश्चन आए थे, तो ये सब चीजें जो क्वेश्चंस हैं हम वी कैन मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि यार अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो मुझे 28 सीएम के नाम याद करने का एक क्वेश्चन डाल, तो इस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है। और आरआरबी के जो ऑफिशियल पैटर्न के मॉक टेस्ट हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उनमें भी सारी चीजें अवेलेबल है, चाहे ऑनलाइन तैयारी की बात करें चाहे किसी की बात करें, सारी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को सब चीजें रेडीमेड चाहिए और उनको रेडीमेड सर्व्ड है, एकदम सर्व्ड है, बस उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो 90 मिनट्स बस सिस्टम के आगे बैठिए और भूल जाइए दुनिया क्या है, भूल जाइए अगल बगल में क्या है, कौन दोस्त व्हाट्सएप कर रहा, कुछ नहीं, वो 90 मिनट्स आप अपने आप को डेडिकेट कीजिए। आई एम श्योर कि 15 दिन, ये 10 से 12 दिन जो भी है, ये इसमें आपका डेफिनेटली सक्सेस गारंटीड है। तो अगर हम अपने एक्सपर्ट की माने तो आपके पास सब कुछ रेडी है, पीडीएफ भी है, मॉक टेस्ट भी है, बस आपको क्या करना है तो वो है सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली आरआरबी ग्रुप सी एग्जाम हुआ, तो उसके कंपैरिजन में जो ग्रुप डी का अगर एग्जाम की बात करें तो क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकता है? एएलपी और ग्रुप डी दोनों लगभग सिमिलर लेवल का पेपर है, उनमें ज्यादा डिफरेंस एक्सपेक्टेड नहीं है, और जहां तक रेलवेज की बात है, रेलवेज उतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करने वाला, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत एकदम ऐसा नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस कुछ अचानक से पूछा जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको बस जो स्टूडेंट्स को मतलब फोकस करना है वो सिर्फ प्रैक्टिस पे करना है इस टाइम, वो चीजें प्रैक्टिस करते रहे, एएलपी के पेपर्स उठा लें जो मेमोरी बेस्ड है, उसको देखें, उससे आइडिया लगा लें, और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको भी हेल्प करेंगी कि जब आप बैठेंगे वो चीजों पे ध्यान देंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी कि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये, तो ये एक पैटर्न है जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में, तो उसी तरीके से आप बैठेंगे तो आपको भी हो सकता है कुछ नया आइडिया लगे, हो सकता है आपको लगे कि यार अलजेब्रा का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है आपको लगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो फिगर्स चेंज हो सकते हैं बट टाइप्स और वो सारी चीजें लगभग सेम हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है? आरआरबी ग्रुप डी का ये पहला एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के बाद जो स्टूडेंट्स होंगे इनको फिर जो बेसिकली अलॉटमेंट होता है, जो रेलवे अलॉट करता है वो सारी चीजें अलॉट करेंगे, इसके बाद सीधा अलॉटमेंट है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, क्योंकि अभी 2016 में आई गेस की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ग्रुप बी और उससे नीचे के जितने पोस्ट है उन सब में इंटरव्यू एलिमिनेटेड है, तो इंटरव्यू का कोई लफड़ा नहीं है, आप पेपर क्लियर कीजिए, यू आर इन। And same with the C, group C.
एएलपी में इसके बाद सीबीटी 2 था, टेक्निकल पेपर था उसका, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, इसका डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोसीजर दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी हम कोई एक पेपर या एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो स्पीड और एक्यूरेसी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस एग्जाम के लिए कैसे मैनेज करें अपनी स्पीड या एक्यूरेसी को? इसके जैसा तो मैंने बताया था कि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस हैं। अब स्पीड तो डेफिनेटली चाहिए क्योंकि एक मिनट से कम में एक क्वेश्चन का टाइम है हमारे पास, तो स्पीड चाहिए। स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं, अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, ठीक, स्पीड आपकी बन जाएगी। एक्यूरेसी की मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से अब एक्यूरेसी में काफी सारे फैक्टर्स भी होते हैं, सपोज कि कई बार हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं क्वेश्चन करने में कि यार मुझे मेरे को ये दो ऑप्शन सही नहीं लग रहे, अब इन दोनों में से मेरे पास एक चॉइस बचती है, तो इस टाइप से जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी हिल सकती है, ज्यादा मत कीजिएगा, थोड़े बहुत ही ऐसे अटेम्प्ट्स लीजिएगा जहां पे आप 50% श्योर है या तो ऑप्शन ए है या बी है, ऐसे केसेस में ज्यादा अटेम्प्ट मत कीजिएगा तो आपकी एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं मेंटेन होगी। मैथ्स रीजनिंग में एक्यूरेसी बिगड़ने के चांसेस नहीं होते क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर्स निकलते हैं, बट रीजनिंग और करेंट अफेयर्स में कई बार क्या होता है कि हम लोग तुक्का भी मार देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत आपके साइंस और करेंट अफेयर्स में जो तुक्का आप मार रहे हैं थोड़ा बहुत वहीं से एक्यूरेसी बिगड़ सकती है, तो वो भी ज्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत कीजिए, दैट्स सफिशिएंट, नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा में फिर वही बात होगी कि मैं एक कदम आगे बढ़ने की जगह मैं फिर 1.33 कदम पीछे चला जाऊंगा, तो वो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, ओवरऑल बात कर ली ग्रुप डी के एग्जाम की, तो लास्ट मिनट टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? लास्ट मिनट टिप्स मेरी तरफ से वही रहेगा जो मैं हर बार भी कह चुका हूँ कि आपको, हाँ, क्विक फाइव टिप्स में वही चीज है, कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी की मॉक कीजिए, चाहे ऑनलाइन तैयारी पीडीएफ, कुछ भी कीजिए, सब चीजें फ्री है, आप जाइए अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। दूसरी चीज ध्यान देनी है कि आपकी सारी चीजें रेडी होनी चाहिए, अब ऐसा ना हो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आप सोच रहे हो कि यार एडमिट कार्ड मैंने निकाल लूं एग्जाम वाले दिन, क्योंकि कई बार हम सेंटर्स पे भी गए तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स वहां पे एग्जाम देने आते हैं एंड दे आर सर्चिंग फॉर पेन एडमिट कार्ड, ये सब, तो ये सब चीजें रेडी रखना अपने पास। और बाकी इसके अलावा मैं कहूंगा कि अपने ट्रेवल अरेंजमेंट्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम एएलपी में भी हमने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स को काफी दूर दूर जाना पड़ा था, तो वो सारे अरेंजमेंट्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे एडमिट कार्ड एक बार रिलीज हो जाए, तो ये सारी चीजें, रेलवे के लिए टिप्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें काफी सारी डिफरेंट चीजें हैं। तो आपको पता चलता रहेगा क्योंकि नॉर्मल ट्रेन में जैसे सीट आजकल बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत कम स्पैन में, बिल्कुल, तो ये चीजें ध्यान रखनी बस। ठीक है, तो आज हमने आपके साथ डिस्कस की आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की कुछ लास्ट मिनट की टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए अपने एग्जाम। And this is Divya Chopra. This is Apurva Anand signing off with Pooja Yadav from India Today Education.